और अगर आप ऊपर से देखोगे पूरा जर्जू पुल को तो आपको जो मतलब कि अलग ही तरीके से आपको फील आएगा भाई, देख से तो क्या ही ओपी लग रहा है देखने में। तो गाइस आ चुके हो एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल के अंदर इरेंगल 2.0 आने वाला है। तो आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं पूरा जॉर्जू पुल का ओवरव्यू कि जॉर्जू पुल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि जॉर्जू पुल के अंदर बहुत कुछ नया नया चेंजेस किया गया है। और ये जरूर एक चीज़, अगर आपको दूसरे किसी लोकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आप चलते वीडियो की तरफ। तो और एक चीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए आप चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम जो जॉर्जू पुल के अंदर आ चुके, लेकिन यहाँ पर जो भी चेंजेस हुआ है वो तो सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर हरी हरी घास जो है उनको बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये जो घास है उन लोगों के लिए बहुत ही फायदा होगा जो लोग कैंपर होते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मतलब कि यहाँ पर वो तो लुट वुट के यहाँ पर आ जाते, आने के बाद ये जो घास है अंदर छुप जाते और कैंपर के लिए मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो झाड़ी जंकट सब कुछ ऐड कर दिया गया। और यहाँ पर अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो आपको पता ही होगा कि मतलब कि आप किसी भी बंदे को तो सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर वो बंदा किसी भी घास या फिर झाड़ी जंकट के अंदर छुप जाता है तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर तो सपोर्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो आपको पता होगा कि उनका जो घास का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी बंदे को सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पर कंटेनर को उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, जो पहले हमें जो 0.19.0 के अंदर देखने को मिलता है सेम टू सेम हमें देखने को मिलेगा इसी जो 1.0 का जो अपडेट आने वाला है उस अपडेट के साथ इरेंगल 2.0 के अंदर। लेकिन गाइस यहाँ पर जो चेंजेस किया गया आप लोग देख सो हमारे जो मतलब कि वेयर हाउस है उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है। और आप लोग अगर मतलब कि दूर से हमारे जो वेयर हाउस है उनको देखोगे मतलब कि अलग ही तरीके से आपको फील आएगा। तो फिलहाल मैं आप लोग को उसके सामने जाके दिखा देता हूँ कि कैसे हमें वेयर हाउस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके सामने जाओगे तो आपको वेयर हाउस के साइड की तरफ दो आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप जो उनको तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो कुछ हद तक यूनिक लगे देखने में वेयर हाउस उसके वजह से उनको ऐड कर दिया गया। और साइड की तरफ हमारा जो रेलिंग पहले था उनको जो पूरी तरीके से हटा दिया गया। और मुझे और एक चीज़ लग रहा है कि हमारे जो वेयर हाउस है उसका जो साइड की जो हाइट है उनको कुछ हद तक कम कर दिया गया। जब इरेंगल 2.0 आ जाएगा तब अगर आप उसको खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे तो भाई देख सो मैं जब खेल रहा था वीटा वर्जन का तब मैं जो इसके अंदर फंस गया, तो इसका नाम मुझे ठीक तरीके से पता नहीं, गेट या फिर जो भी है अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बता देना। तब मैं जो इसके अंदर फंस गया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो छोटे मोटे ग्लिच या फिर बग्स होते हैं उनको पबजी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पबजी कौन से चीज़ों को ध्यान देता है, जो कि बड़े बड़े बग्स और ग्लिचेस होते उन सारी चीज़ों को जो बहुत ही जल्दी फिक्स कर देते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे ग्लिच या फिर बग्स होते उनको जो पबजी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और अगर आप जो हमारे जो वेयर हाउस है उसके साइड की तरफ आओगे तो आप लोग देख सो मतलब कि अलग ही देखने को मिलेगा। और अगर आप जॉर्जू पुल के साइड आओगे तो स्काई का जो क्वालिटी भाई साहब क्या ही देखने को मिले आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल मैं आप लोग को जो हमारे जो वेयर हाउस है उसके अंदर जाके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि उसका अंदर का लोकेशन क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मतलब कि उतना ज़्यादा तो चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन उसका जो कलर क्वालिटी है और उसको बॉक्स को जो कुछ हद तक मॉडिफाई किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं किया गया। अगर आप इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो जो कि पहले नहीं था, तो मैं यहाँ पर फिलहाल देख लेता हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक होता है या फिर नहीं। तो मैं ऊपर की साइड की तरफ चढ़ चुका हूँ तो सामने की तरफ जंप करता हूँ, तो भाई नहीं हुआ टिप्स एंड ट्रिक, तो कोई नहीं। तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जॉर्जू पुल का जो टावर है उसको चेंजेस क्या गया है या फिर नहीं। तो फिलहाल मैं आप लोग को ले चलता हूँ टावर की तरफ। तो और गाइस यहाँ पर मुझे और एक चीज़ बहुत ही बुरा लगा, आप लोग देख सो हमारे जो मतलब कि जॉर्जू पुल का जो टावर है उसके नीचे की तरफ मतलब घास फूस यहाँ पर भर दिया गया। अगर कोई भी कैंपर होता है तो यहाँ पर भाई छुप जाएगा, तो आप उसको स्पॉट भी नहीं कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर देख सो अगर यहाँ पर कोई भी बंदा अगर नीचे की साइड छुप जाता है तो यहाँ पर तो स्पॉट करना मतलब कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग देख सो हमारा जो टावर है उसको कुछ हद तक चेंजेस किया गया है, लेकिन आप जो हमारा जो 0.19.0 के अपडेट के साथ जो टावर हमें देखने को मिलता है उसका जो कलर क्वालिटी वो मतलब कि पूरा आपको सफ़ेद देखने को मिल जाएगा, मतलब कि सफ़ेदी का चमकार। लेकिन जो इरेंगल 2.0 का जो नया अपडेट आने वाला है उसके अंदर जो हमें टावर देखने को मिलेगा उसके जो लोहा साइड वो आपको पूरा जंग देखने को मिल जाएगा, मतलब कि क्या ही कहूँ भाई। इस अपडेट के लिए जो हर कोई वेट कर रहा था कि इरेंगल 2.0 कब
आएगा इडेंगल 2.0 कब आएगा। तो फाइनली जो है पबजी मोबाइल के अंदर आ चुका है इडेंगल 2.0, तो अभी तो नहीं आया लेकिन बहुत ही जल्दी इडेंगल 2.0 आ जाएगा। और अगर आप ऊपर से देखोगे पूरा चर्चू पुल को तो आपको जो मतलब कि अलग ही तरीके से आपको फील आएगा, भाई देख सो तो क्या ही ओपी लग रहा है देखने में। और गाइस यहाँ पर चर्चू पुल के अंदर उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, जो भी चेंजेस हुआ है मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। और हमारे टावर का जो मतलब जंक लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, पुराना सड़ा हुआ जो भी है, लेकिन इसके लिए हर कोई वेट कर रहा था इडेंगल 2.0 के लिए। तो बहुत ही बड़ा अपडेट आएगा जब भी इडेंगल 2.0 आ जाएगा। और जब भी इडेंगल 2.0 आएगा, अगर आप इडेंगल 2.0 को खेलोगे तो भाई तबाही मच जाएगा। और कुछ हद तक चेंजेस किया गया, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस किया गया है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि किस किस लोकेशन के अंदर चेंजेस हुआ है या फिर नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कॉमेंट में बता देना, मैं हर एक लोकेशन के ऊपर अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। और ऐसे हर एक लोकेशन के ऊपर अलग अलग वीडियो लाने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ऐसे वीडियो लाने में 7-8 मिनट का वीडियो हो जाता है, और इसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, सेव करना बहुत ही टाइम लग जाता है। इसके वजह से वीडियो आने में कुछ लेट हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और साइट का जो एरिया है इस पे तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन घास का जो मतलब घास बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन कैंपरों के लिए तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। वैसे हम भी कभी कभी घास पे छुप जाते हैं, लेकिन वो अलग बात है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सो, हमारे जो वेयर हाउस है उसके साइड की तरफ आपको एक टूटा सा मतलब कि दीवार के जैसा मिल जाएगा। मुझे पता नहीं कि इसको रखने में पबजी का क्या ही लॉजिक है। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गेम ऑफ पीस के अंदर है, लेकिन इडेंगल 2.0 जो हमारे जो ग्लोबल वर्जन में आएगा उसके अंदर नहीं दिया गया। मुझे पता नहीं कि क्यों, लेकिन जब भी नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा हो सकता है उन अपडेट के साथ वो फीचर को ऐड किया जा सकता है। तो फिलहाल वीडियो को इतना ही करते हैं ख़त्म। जो भी नया नया चेंजेस हुआ है वो सारे के सारे चेंजेस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो होप करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।